सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सबसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्व धर्मानां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। आज का दिन बहुत पावन दिन है। आज से चैत्र मास के शाश्वत पर्व दशलक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं और आज अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। वो अजितनाथ भगवान कर्मों का अभाव करके अपने निस्वभाव को जानकर निस्वभाव में रमकर सम्यक शिखर से आज के दिन मोक्ष पधारे। ऐसे अजितनाथ भगवान को हम सब मन वचन काय से नमस्कार करते हैं। हमारी चर्चा चल रही है कि इस कोरोना महामारी के काल में भी हम शांत कैसे रहें, हम ऐसा क्या करें कि हमको जो भय लग रहा है इस कोरोना वायरस का, महामारी का, उस भय से हम दूर कैसे हों। उस भय को दूर करने का मंत्र, उस भय को दूर करने का उपाय जिनेन भगवंतों ने हमको बताया है, हमको समझाया है, तो उसी पर हम यह चर्चा कर रहे हैं समता षोडशी के माध्यम से पिछले 3 दिनों से, जिसमें हमने पहले 5 श्लोक पर चर्चा की है पिछले 3 दिनों में। उसको हम एक बार रिपीट करते हैं उसको हम एक बार रिपीट करते हैं आप सब हमारे साथ में बोल सकते हैं समेतार। और आप समझते हुए जो 3 दिनों में हमने चर्चा की है इन श्लोकों पर, उस भाव का भाषण करते हुए इसको एक बार पढ़ेंगे। समेतार रस का पान करो अनुभवे रस का पान करो शांत रहो शांत रहो सहज सदा ही शांत रहो नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देख अहो क्यों परलक्ष करे रे मूरख तेरे से सब भिन्न अहो देह भिन्न है कर्म भिन्न है उदय आदि भी भिन्न अहो नहीं अधीन है तेरे कोई सब स्वाधीन परिणमित हो पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी सुख दुख का कारण नहीं हो करके मूर कल्पना मिथ्या तू ही व्यर्थ आकुलित हो इष्ट अनिष्ट न कोई जग में मात्र ज्ञान के गे अहो इष्ट अनिष्ट न कोई जग में मात्र ज्ञान के अहो हो निरपेक्ष करो निज अनुभव बाधक तुम को कोई न हो तुम स्वभाव से ही आनंद में पर से सुख तो लेस न हो झूठी आशा तृष्णा छोड़ो जिन वचनों में चेत धरो।
यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी कि हम स्वभाव से ही आनंदमय हैं, हमारा स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टामयी ज्ञानानंदमयी है, और पर से हमको लेश मात्र भी सुख नहीं होता कि अंश मात्र सुख हो जाए, इस समय के लिए सुख हो जाए तो वो भी संभव नहीं है पर से। क्यों नहीं है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं कल कि एक तो परद्रव्यों में सुख नाम का गुण नहीं है, बाकी के पांच द्रव्यों में सुख नाम का गुण नहीं है, और दूसरा सैम के कर्मोदय के अलावा कि सैम का कर्मोदय जैसा हो उसके अकॉर्डिंग ही इस जीव यह जीव उस रूप परिणमित होता है। कोई द्रव्य इसको सुख ला के दे दे, कोई द्रव्य इसको दुख ला के दे दे, कोई द्रव्य इसको सुख का संयोग करा दे, कोई द्रव्य इसको दुख के कारणभूत पदार्थों का संयोग करा दे, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। तो ये कोरोना वायरस हमको दुख का संयोग करा दे, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस परद्रव्य है। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो, कि इसलिए जो हमारी आशाएं हैं, झूठी आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनको हम छोड़ें, कि हमारी आशा क्या है कि पर से कुछ हो जाएगा, कि परद्रव्य हमारा कुछ भला कर देगा, परद्रव्य हमारा कुछ बुरा कर देगा। इस तरह की जो हमारी आशा है जिसके कारण हम भयभीत बने हुए हैं, हमारी आशा है ऐसी कि कोरोना वायरस हमको ना लगे, हमारे देह का वियोग ना हो, इस तरह की जो हमने आशाएं बनाई हुई हैं, जो हमने कल्पना की हुई हैं, उन कल्पना के कारण हम जो दुखी हो रहे हैं, इसीलिए हम उस झूठी आशा तृष्णा को छोड़ रहे हैं, कि जो हमने झूठी आशा लगाई हुई है परद्रव्यों से, उस झूठी आशा और तृष्णा को यदि हम छोड़ दें, और जिन वचनों में चित्त धरें, कि जिनेन्द्र देव ने क्या कहा है, जिनेन्द्र देव के वचनों पर विश्वास तो करें। अभी हमको वास्तव में जिनेन्द्र देव के वचनों पर विश्वास भी नहीं है, ये कि जिनेन्द्र देव के वचनों पर हमको विश्वास होता तो हम आज इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से भी नहीं डर रहे होते। क्यों नहीं डर रहे होते, कि देखो आचार्य कुंद कुंद ने समयसार जी के बंधाधिकार में लिखा कि आयु छह से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, कि आयु के छह से ही मरण होता है यह बात जिनेन्द्र देव ने कही है। यदि हमको इस बात पर भरोसा हो, इस बात पर हमको यदि विश्वास हो कि आयु का क्षय होने पर ही मरण होगा, क्योंकि जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है, तो हम इससे डरेंगे ही नहीं, क्योंकि ये हमारा मरण करा दे ऐसा अपने आप ही जो हमारा दुख है वो चला जाएगा, क्योंकि आयु का क्षय होगा तो ही मरण होगा, यदि आयु का क्षय नहीं होना होगा तो मरण नहीं हो सकता। तो जब तक कोई हमको आयु ना दे दे या कोई हमारी आयु ना छीन ले तो हमारा मरण नहीं करा सकता, कि ये या तो वो हमारी आयु छीन ले तो हमारा मरण करा सकता है, या कोई हमको आयु दे दे तो हमको जीवन दे सकता है। तो कोई हमको आयु दे दे या कोई हमसे आयु छीन ले, ऐसी तीन काल में तीन लोक में किसी द्रव्य की कोई व्यवस्था नहीं है। वस्तु व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के अकॉर्डिंग परिणमित नहीं होता, सब स्वाधीन परिणमित होते हैं, सब अपने अपने सह चतुष्टय में रहते हैं, सब अपने अपने षटकारक से परिणमित हो रहे हैं, कोई को किसी के मतलब ही नहीं है, वो तो व्यर्थ में हमने ही व्यर्थ कल्पनाएं की हुई हैं, मतलब लगाए हुए हैं कि इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए, इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए, इससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, इससे हमारा ये कार्य बन जाए, इससे हमारा ये कार्य बन जाए, इससे हमारा भला हो जाए, इससे हमारा बुरा हो जाए, ये हमको सुखी कर दे, ये हमको दुखी कर दे, इस प्रकार की व्यर्थ में ही हमने कल्पनाएं की हुई हैं। और इसीलिए इसमें तीसरे श्लोक में आया था, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या तू ही व्यर्थ आकुलित हो, कि ऐसी मिथ्या कल्पनाओं को करके तू मूर्ख बन के व्यर्थ में ही आकुलित हो रहा है। इसलिए यदि हमको आकुल व्याकुल ना होना हो, भयाक्रांत ना होना हो, भय से ग्रसित ना होना हो, भय से मुक्त होना हो, तो ऐसे ही समता भाव को धरें। देखो अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, परिद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। कि
कि परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। कि हम परद्रव्यों का दोष ना देखें। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम हर कार्य में परद्रव्यों का दोष देखते हैं। कुछ भी हो जाए उसमें परद्रव्यों का दोष है। अभी यह कोरोना वायरस भी आया तो किसका दोष है कि चाइना का दोष है, और जो विदेशों से यात्री आ रहे हैं उनका दोष है। सरकार अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पा रही है, अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है, उसका दोष है। मीन्स हम हर कार्य में परद्रव्य का ही दोष देखते हैं। चाहे संसार का कोई भी कार्य हो उसमें हमको खुद का दोष दिखता ही नहीं है, सिर्फ परद्रव्यों का दोष दिखता है। और इसीलिए राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, इसीलिए क्रोध की अग्नि जल जाती है, इसीलिए हमको क्रोध आ जाता है, क्योंकि हमने परद्रव्यों का दोष देखा है। जैसे मैंने पहले भी दो क्लासों में उदाहरण लिया है कि जैसे जोक आता है कि यदि मालिक से गिलास टूट जाए तो नौकर का दोष कि नौकर ने गिलास को क्यों रखा वहाँ पे, और यदि नौकर से गिलास टूट जाए तो नौकर देख के क्यों नहीं चलता तो भी नौकर का दोष। तो हमारा अनादि से ऐसा ही है कि हम प्रकार दोष देखते आ रहे हैं, और इसीलिए हम क्रोध आदि अग्नियों में जल रहे हैं। और उसका कोई दूसरा कारण नहीं है, दूसरा उसका कोई रीज़न नहीं है। यदि हम परद्रव्यों का दोष देखना बंद कर दें तो हमको किसी द्रव्य में, इंद्र नरेंद्रों में भी सामर्थ्य नहीं है कि हमको दुखी कर दें। बस हमको परद्रव्यों का दोष देखना छोड़ना होगा। तो प्रथमानुयोग में यदि हम देखें कि सती चेलना है, सती अंजना है, सती चंदन वाला है, मुनिराजों को देखें, यशोधरा मुनिराज हैं, मुनिराज पारसनाथ हैं, हम मतलब मीन्स प्रथमानुयोग को भरा हुआ है प्रथमानुयोग ऐसे उदाहरणों से, महापुरुषों से, कि जिन्होंने परद्रव्यों का दोष नहीं देखा। और परद्रव्यों का दोष नहीं देखा तो रंच मात्र भी दुखी नहीं हुए। जैसे सती चंदन वाला ने उस स्त्री का दोष नहीं देखा, उस माँ का दोष नहीं देखा कि जिसने उसको बेड़ियों में बांध के रख दिया। उन्होंने बाद में, यदि आपने सती चंदन वाला का जीवन चरित्र पढ़ा हो तो उसमें जब बाद में जब महावीर भगवान का आहार हो गया, मुनिराज महावीर भगवान का, तो जब वो सेठानी उनसे क्षमा मांगने लगी तो सती चंदन वाला क्या कहती है कि हे माँ, यदि आप मुझे बेड़ियों में नहीं बांधती तो आज ये आहार की विधि कैसे मिलती। अरे आपने तो मुझे आहार की विधि मिलवाई है, आप तो मेरे लिए पुण्य का उदय लेके आई हो, आप तो मेरे लिए एक उपकारी हो, आप तो मेरे लिए कि आपने मुझे इसमें बांधा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मीस सतियों ने, महापुरुषों ने कैसे कैसे दुष्म काल में, कैसे कैसे उपसर्गों में भी परद्रव्यों का दोष नहीं देखा। मुनिराज पारसनाथ ने कमठ का दोष नहीं देखा कि इसमें कमठ का दोष है, कमठ उपसर्ग कर रहा है, तो कि अरे उनका ही कर्मोदय ऐसा है, मैंने ही पहले कोई कर्म के उदय ऐसे बांधे हैं जो कर्म के उदय अभी उदय में आ रहे हैं और ऐसे संयोग हम उपलब्ध हो रहे हैं, तो उसमें कोई परद्रव्य का दोष नहीं है। सती अंजना को देखें कि सती अंजना को जब सास ने निकाल दिया, माता पिता ने भी निकाल दिया, गर्भवती अवस्था में संसार में भटकने को मजबूर कर दिया, उस समय भी कि जब भटकने को मजबूर कर दिया उस समय में भी उसने परद्रव्यों का दोष नहीं देखा। उस समय भी उन्होंने क्या कहा कि इसमें ना तो सास ससुर का दोष है, ना माता पिता का दोष है, इसमें तो मेरे ही कर्म के उदय का दोष है, मैंने ही पिछले भव में ऐसी देव सास गुरु की विराधना की होगी, ऐसा लो अंतराय डाला होगा कि वो आज मेरे फलस्वरूप मेरे सामने आ रहा है, तो ये मेरे ही कर्म का दोष है, मेरा ही दोष है, इसमें किसी परद्रव्य का दोष नहीं है। और जब उसने ऐसा जाना कि परद्रव्य का दोष नहीं है तो दुखी नहीं हुई वो, क्रोधित नहीं हुई वो, समता भाव धरती हुई, धर्म आराधना करती हुई भयंकर जन वन में भी वो शांतिपूर्वक रहने लगी। तो इसलिए यदि हम परद्रव्यों का दोष नहीं देखें, परद्रव्यों का दोष देखना छोड़ दें, तो वास्तव में हमको कोई क्रोधित नहीं कर सकता, कोई हमको दुखी नहीं कर सकता, कोई हमको पाप रूप परिणमित नहीं करा सकता, लेकिन करना वो हमको पड़ेगा। ऐसा नहीं हमने वह कह दिया कि परद्रव्य का दोष नहीं है, कि परद्रव्य का दोष जिस समय कोई कार्य हुआ हो उस समय हम ये विचार करें कि इसमें दोष परद्रव्य का नहीं, मेरा दोष है। कि आज यदि मुझे भोजन नहीं मिला तो उसमें मेरा दोष है,
उसमें परिवारजनों का दोष नहीं है, मेरा ही ऐसा कर्म का उदय है कि मुझे भोजन नहीं मिलना था। जैसे हम आदिनाथ भगवान को देखें तो आदिनाथ भगवान को जब 6 महीने आहार नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि वो उपदेश देने बैठ गए हों कि चलो आहार देने की विधि सिखा दें, या फिर जब उन्होंने जब वो राजा थे, राजा के काल में जब उन्होंने असी मसीह कसी का उपदेश दिया तो उनके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि जब मैं मुनि बनूंगा तो उस समय मुझे आहार कौन देगा कि चलो इनको आहार की विधि सिखा दें, कि नहीं, वो तो कर्म का उदय जैसा है वैसा आएगा ही आएगा। वो आहार की विधि सिखाने नहीं बैठे, वो आहार की विधि का उपदेश देने नहीं बैठे कि अरे वो तो जब कर्म का उदय आएगा, यदि पुण्य का उदय आया, ऐसा साता विधि का उदय आया कि जिस समय मुझे आहार मिलना होगा उस समय आहार मिल ही जाएगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं ही मिलेगा। तो इस प्रकार हम परद्रव्यों का दोष ना देख के यदि अपना दोष देखें तो वास्तव में दुखी नहीं रह सकते, हम इस काल में भी दुखी नहीं रह सकते और अगले भव में भी दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमेशा कर्म का बंधन नहीं करेंगे। परद्रव्य का दोष दे देख के क्रोध कर करके हम इस भव में भी दुखी हैं और अगले भव के लिए भी ऐसे कर्म बांध रहे हैं कि अगले भव में जब वो उदय में आएंगे तो फिर हम दुखी होंगे। तो हम भवों के लिए दुख का कारण इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ एकमात्र परद्रव्य का दोष देखकर। तो ये परद्रव्य का दोष देखना छोड़ दें तो इस भव में और आगे आने वाले भवों में भी हम सुखी रहेंगे, दुखी नहीं रह सकते। तो इस प्रकार हम परद्रव्यों का दोष देख के क्रोध अग्नि में नहीं जलें। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, कि आप अनुरूप प्रवर्तन नहीं चाहो कि जैसा आप चाहते हो वैसा प्रवर्तन हो जाए, कि सारा कार्य अपनी इच्छा के अनुसार हो जाए। ये देखो आचार्य गुणभद्र आत्मानुशासन में लिखते हैं कि इच्छाएं तो सब जीवों की बहुत हैं और जो 3 लोक की वस्तु हैं वो एक लिमिटेड हैं, वो एक लिमिट में हैं, तो किसकी कितनी इच्छा पूरी की जाए, कि किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली। तो इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली तो क्या करें, कि इच्छा ही नहीं करें कि जैसा प्रवर्तन होना होगा वैसा होगा ही होगा। हमारा दुख का कारण क्या है कि हम अपने अनुसार पूरे जगत को चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार हम पूरे जगत को भ्रमाना चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा पूरा जगत भ्रमण परिणमन करे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरा पुत्र परिणमन करे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मेरी पत्नी परिणमन करे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मेरे मित्र, मेरे परिवारजन, मेरे सगे संबंधी, ये पूरा लोग वैसा ही परिणमन करे जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन परिणाम अपने अकॉर्डिंग होता नहीं है और इसीलिए हम दुखी होते हैं। कि परिवर्तन अपने अनुसार क्यों नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन तो क्रमबद्ध अनुसार होता है और सबका परिणाम अपने अपने अधीन है। जैसे आया ना दूसरे श्लोक में कि नहीं अधीन है तेरे कोई सब स्वाधीन परिणमित हो, कि मेरे अधीन कुछ है ही नहीं, सबका अपना स्वाधीन परिणमन है, सब अपने अपने अधीन अपने अपने षटकारक से परिणमन कर रहे हैं, कोई किसी को परिणमन कराने में समर्थ ही नहीं है। इसीलिए यदि हम अपने अनुरूप प्रवर्तन चाहते हैं तो सिर्फ दुख दुख और दुख दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अपने अनुरूप प्रवर्तन होने वाला नहीं है और अपने अनुरूप प्रवर्तन नहीं होगा तो जीव दुखी होगा। तो अभी भी देखो, अभी भी क्या है कि हम क्या चाह रहे हैं कोरोना वायरस के कारण में, कि हमको कोरोना वायरस ना लगे, हमारे परिवारजनों को, हमारे सगे संबंधियों को, हमारे आसपास के पड़ोसियों को कोरोना वायरस ना लगे। लेकिन उसका परिणाम अपने अनुसार है नहीं, कि अपने अनुसार उसका परिणाम हो नहीं सकता। कोरोना वायरस जहाँ जिसको जिस समय जैसे लगना होगा लगेगा ही, हम उससे भय क्यों करें। देखो कवि वह बुज्जन जी ने भजन लिखा, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसारे, हमें को कछु भय ना रे, जाकर जैसे जाहि समय में, जाकर जैसे जाहि समय में, जो होवत जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, सो बनी है टरी है कछु नाही,
कर लीनो नेरे धारे, हमको कछु भय नारे। जान लियो संसार हमको कछु भय नारे। कि जा कर जैसे जाई समय में जो होवत जा द्वार, कि जो जैसे जिस समय में जहाँ जिस द्वार पे होना है, सो बनी है टरी है कछु नाही, सो बनता ही बनता है, ऐसा होता ही होता है, सो टरी है कछु नाही, उसमें कुछ भी नहीं टरता, कुछ भी ऐसा नहीं कि रुक जाए होने से, होता ही है। कर ली नो निर्धार, कि ऐसा निर्धार कर लो तो कुछ भय ही ना हो, हमको कछु भय ना रे। तो भय का कारण भी क्या है कि अपने अनुरूप परिवर्तन चाहना, अपने अनुरूप परिवर्तन चाहना, जैसा हम चाहें वैसा परिणाम चाहना, भाई हमारे भय का कारण है। यदि हम अनुरूप परिवर्तन करना छोड़ दें, क्यों देखो अनुरूप परिवर्तन करना क्यों छोड़ दें, क्योंकि अनुरूप परिवर्तन हमारे अकॉर्डिंग होना नहीं है। यदि हमारे अकॉर्डिंग हमारे अनुसार एक समय मात्र भी किसी एक द्रव्य का परिणमन भी हमारे अनुसार हो जाता हो तो हम परिवर्तन करें तो सही भी है, कि हमारे अनुसार कोई परिवर्तन होना नहीं है। और जब हमारे अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होना है तो व्यर्थ में परिवर्तन क्यों करें, कि व्यर्थ में हम परिवर्तन करने की अभिलाषा भी क्यों करें कि परिवर्तन हो, कि जो कार्य होना ही नहीं है। कि जैसे जिनागम में उदाहरण आते हैं कि हमको मक्खन निकालना है या हमको घी निकालना है, और हम पानी को बिलोते जाएं तो कितने समय बाद उसमें से घी निकल जाएगा, कि तीन काल में संभव नहीं है कि उस पानी को बिलोने से घी निकल जाए, या रेत को पेलने से उसमें से तेल निकल जाए, तीन काल में संभव नहीं है। कि जो वस्तु जहाँ से होनी है वहीं से होगी, कि घी दूध में से आना है तो दूध को बिलोने से ही घी निकलेगा, पानी को बिलोने से नहीं निकलेगा। कि वो तेल है तो सरसों आदि को पिलाने से निकलेगा, रेत से नहीं निकलने वाला, कितना भी रेत से कर लें तीन काल में नहीं करने वाला। वैसे ही हम कितनी भी इच्छा कर लें अपने अनुरूप परिवर्तन कराने की पर द्रव्यों को, लेकिन अपने अनुरूप परिवर्तन हो नहीं सकता, इसलिए वो परिवर्तन करना ही छोड़ दें। कि जैसे घी पानी में से निकल ही नहीं सकता तो पानी को बिलोना छोड़ दें, रेत में से तेल निकल नहीं सकता तो रेत को पेलना ही छोड़ दें, वैसे ही अपने अनुरूप परिवर्तन जब हो नहीं सकता, सारा परिवर्तन क्रमबद्ध अनुसार अपने षट कारक से अपने अपने आधीन अपने अपने द्रव्य में परिणमन होना है, तो हम व्यर्थ में पर में परिवर्तन करना ही छोड़ दें। भेद ज्ञान दो दृष्टि धरो, और भेद ज्ञान करके हम दृष्टि करें ऐसी कि भाई मैं तो परद्रव्यों से न्यारा एक भिन्न तत्व हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा मई तत्व हूँ, मुझमें करने जैसा कुछ गुण ही नहीं है, मुझमें करने का कोई गुण हो तो मैं कुछ करूँ, मैं व्यर्थ में ही जो मुझमें गुण नहीं है उस गुण को करूँ तो क्या मतलब है। कि हमको यदि दूध मीठा करना है और हम उसमें नमक डालें कि आज नहीं सही कल हो जाएगा मीठा, कल नहीं परसों हो जाएगा, डेली नमक डालने में लगे हुए हैं दूध में, जब देखो जब नमक डालने में लगे हुए हैं तो कितने समय बाद वो दूध मीठा हो जाएगा, कि कितना नमक का मंत्र पढ़ने से वो दूध मीठा हो जाएगा, कि तीन काल में संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि उस नमक में मिठास नाम का गुण ही नहीं है, कि जिसमें वो गुण नहीं है वो मिठास दे नहीं सकता। वैसे ही मुझमें कुछ करने का गुण नहीं है करने का, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये करने का गुण हो तो मैं कुछ कर भी सकूँ, तो जब मुझमें करने का गुण ही नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो व्यर्थ में करने की आशा रखकर करने की इच्छा रखकर मैं व्यर्थ में क्यों भ्रमण कर रहा हूँ। देखो 12 भावना में आता है, तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली तो क्या अब करिए,
जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। कि तीर्थंकर जैसे बलवान, उनकी भी जगत में एक नहीं चली, उनकी खुद की मौत भी नहीं टली। कि जब जिसकी मौत जिस समय होनी है होगी ही, उस मौत को टालने में जिन्हें भगवान भी समर्थ नहीं है, तो हम व्यर्थ में फिर क्यों डर रहे हैं कि कोरोना वायरस हमें मार देगा, कि कोरोना वायरस हमारा देह वियोग करा देगा, कोरोना वायरस हमारी मृत्यु करा देगा। अरे जिस समय होनी होगी उस समय होगी ही होगी। कि अरे बिना कारण से मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु होनी हो तो, जब आयु का क्षय होना हो, आयु क्रम पूरा होना हो, तो बिना कारण से खड़े खड़े ही मृत्यु हो जाती है। कि जीव पूरी तरह से स्वस्थ है, ना कोई रोग है, ना कोई कारण बना, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कुछ भी हुआ, और पता ही नहीं चला जीव कब चला गया, कब उसका वियोग हो गया। तो जब आयु क्रम का क्षय होना हो, उस समय वियोग होगा ही होगा, उस समय मरण होगा ही होगा, तो हम व्यर्थ में क्यों डरें। तो तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो क्या अब करिए। तो हम क्या करें कि जब तीर्थंकर जैसे बलवान जीवों से भी उनकी भी एक नहीं चली, तो हम किस भरोसे बैठे हैं, क्या चलाने को बैठे हैं। तो क्या अब करिए, तो क्या करें फिर हम। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। कि जिस पंथ वो भगवंत चले, जिस पंथ भावलिंगी संत चल रहे हैं, जिस पंथ पर ज्ञानी जीव चल रहे हैं, उस पंथ पर हम चलें। वही पंथ सुख का मार्ग है, वही पंथ सुखी दे सुख दे सकता है, उसी पंथ पर चलकर हम सुखी हो सकते हैं। बाहर में तो हम व्यर्थ में कल्पना ही कर सकते हैं कि सुखी हैं कि दुखी हैं, बाकी हमको कोई भी सुखी दुखी कराने में समर्थ नहीं है। तो सुखी दुखी तो हम अपने अकॉर्डिंग होंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। कि उसमें जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा का मीनिंग, कैसा नहीं जैसा हम चाहें वैसा होगा, कि जैसा हमारा कर्म का उदय होगा, जैसा हमने चाहा होगा पहले, उसके अकॉर्डिंग जैसा कर्म बांधा होगा, वो कर्म जैसा उदय में आएगा वैसा ही संयोग आएगा। इष्ट संयोग आए चाहे अनिष्ट संयोग आए, चाहे इष्ट वियोग हो अनिष्ट वियोग हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही। जब वो होना होगा उसी समय होगा। जिस समय इष्ट का संयोग होना होगा तो इष्ट का संयोग होगा, जिस समय अनिष्ट का संयोग होना होगा उस समय अनिष्ट का संयोग होगा। कि जब तक कोरोना वायरस हमको नहीं लग रहा है, कोरोना वायरस हमारे परिवारजनों को नहीं लग रहा है, उस समय तक इष्ट का संयोग है हमारे, तो उस समय तक हमारा कर्म का उदय ऐसा है कि ऐसा ही होगा। जिस समय अनिष्ट का संयोग होना होगा, जिस समय वो कोरोना वायरस का संयोग होना होगा, तो वो हो ही जाएगा कहीं से भी। कि जैसे प्रथमान योग में एग्जाम्पल आता है दीपायन मुनि का, कि जब दीपायन मुनि ने नैमिनाथ भगवान के समोषण में सुना कि 12 वर्ष के बाद ये दीपिका नगरी, ये द्वारिका नगरी दीपायन मुनि के क्रोध से जलेगी, उससे जल के भस्म हो जाएगी, तो दीपायन मुनि ने सोचा कि नहीं, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा तो द्वारिका जलेगी ही नहीं, मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा तो ना मुझे क्रोध, ना मैं यहाँ रहूँगा, ना बजेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, कि मैं जब यहाँ रहूँगा ही नहीं तो द्वारिका नगरी जलेगी ही नहीं। तो ऐसा सोचकर वो दीपायन मुनि वहाँ से चले गए। लेकिन देखो क्रमबद्ध की व्यवस्था देखो आप, कि कर्मों के उदय की व्यवस्था देखो, होनहार को देखो, जिनेन्द्र देव की वाणी पे विश्वास करके देखो। कि जब 12 वर्ष होने को आए तो दीपायन मुनि को यह आभास हो गया कि 12 वर्ष तो पूर्ण हो चुके हैं, और फिर वो वहाँ के पास में आकर जंगल में वहाँ द्वारिका के पास में एक वन में रहने लगे। वहाँ कुछ लोगों का आना हुआ, जो कुएं में शराब आदि का जो वर्णन आता है वो आपने पढ़ा होगा, कि उसके माध्यम से दीपायन मुनि को क्रोध आया और द्वारिका नगरी जलकर भस्म हो गई। तो बताओ कि उनके करने से भी क्या हुआ, कि अरे जब तीर्थंकर भगवान ने, केवली भगवान ने वो चीज़ देख ली कि 12 वर्ष के बाद द्वारिका नगरी को जलते हुए देख रहे हैं, वो अभी 12 वर्ष पहले ही केवल ज्ञान में द्वारिका नगरी को जलते हुए देख रहे हैं, कि द्वारिका नगरी जलते हुए भी कौन बच सकता है, कौन नहीं बचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ वो साक्षात प्रत्यक्ष देख रहे हैं अभी, तो चीज़ कैसे डर सकती है, कि उसको टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। कि अरे जब द्वारिका जली
तो नारायण जैसे जीव भी अपने माता पिता को भी नहीं बचा सके, कि उन्होंने भी रथ पर अपने माता पिता को बैठा कर कि चलो अपने माता पिता को तो बचा रहे कम से कम हम, यदि द्वारिका नगरी के प्रजाजनों को नहीं बचा पा रहे हैं तो कम से कम अपने माता पिता को तो बचा लें। तो रथ उनसे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया, जिस रथ पर उन्होंने माता पिता को बैठा कर वो बैलों को लगाया, जिन पशुओं को लगाया, उससे वो जब नहीं बढ़ रहे आगे, तो उनको हटा के खुद उसकी जगह पर जुट गए कि मैं खुद इस रथ को आगे बढ़ाऊंगा, पशुओं से नहीं जा रहा है। तो खुद भी उस रथ को टच से मस नहीं कर सके, कि ऐसा महाबलवान जीव भी जब अपने माता पिता को नहीं बचा सका। अरे केवली भगवान ने जब देख लिया कि माता पिता भी द्वारका नगरी में जल के भस्म होंगे, उन्होंने जब अपने ज्ञान प्रत्यक्ष देख लिया तो उसको कैसे बचा सकते थे, नहीं बचा पाते, और नहीं बचा पाए, खुद ही बच पाए, बस खुद का बचना था, खुद ही बच गए बस। तो इसीलिए हम व्यर्थ में अपने अनुरूप प्रवर्तन नहीं चाहें और भेद ज्ञान दृष्टि धरें हमेशा। दिन में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट इस बात पर चिंतन करें कि वास्तव में क्या कर सकते हैं और क्या करने योग्य हैं और क्या कर रहे हैं। देखो अगले श्लोक को पढ़ते हैं, बस समय हो गया है, अगले श्लोक को कर लेंगे हम। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निजहित का पुरुषार्थ करो। इस प्रकार समसा सूर्यसी में एक एक श्लोक में एक एक शब्द में बहुत गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। हम सब विचार करते हुए ऐसी रचनाओं का पान करें, ऐसी रचनाओं का घोलन करें, ऐसी रचनाओं पर चिंतन करें, वास्तव में हमारे पुण्यों जैसी ऐसी रचना हमारे सामने है कि जो हमको साक्षात समता भाव धारण करा सकती हैं, साक्षात हमको भेद ज्ञान कराने में निमित्त हैं, कि ऐसी रचनाओं को चिंतन करते हुए समता भाव धरें, भेद ज्ञान दृष्टि धरें, अपने स्वानुभव का पान करते रहें, तो ऐसी कोरोना वायरस जैसी महामारी के काल में भी हम दुखी नहीं रहेंगे। दुखी जो भय है हमको कोरोना वायरस का, वो भय भी मिटेगा और हम शांत परिणामों के साथ अपने धर्म आराधना करते हुए रह सकते हैं। और अभी आज से हमारे शाश्वत दशलक्षण महापर्व भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो हम पिते धर्म का स्वरूप पे भी विचार करें। अभी तो हमारा भरपूर समय है, तो हम आज उत्तम क्षमा का दिन है, तो उत्तम क्षमा के स्वरूप पर विचार करें कि वास्तव में उत्तम क्षमा का स्वरूप क्या है, उत्तम माधव का क्या स्वरूप है, उस पर कल विचार करें। प्रतिदिन एक एक धर्म के स्वरूप पर विचार करें और विचार करें वास्तव में संत भाव आ बिना नहीं रहे, कि उत्तम क्षमा समता का नाम है। बिना समता आए दर्श धर्म प्रकट ही नहीं हो सकते। जब तक समता भाव नहीं आएगा तब तक ना उत्तम क्षमा होगी, ना उत्तम माधव होगा, ना उत्तम आर्जव होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम दशलक्षण पर्वों में प्रत्येक धर्म का स्वरूप भी जानें, प्रत्येक धर्म के स्वरूप पर भी चिंतन करें और समता भाव धरते हुए क्रमबद्ध पर्याय